ये सब जो लाए हैं ये सब किस लिए लाए हैं? ये माता जी ये अंधविश्वास है, ये सब उस चक्कर में कभी मत रहिएगा। अपने धुआं वगैरह कर दिए क्या? हाँ धुआं भी किए क्या? हाँ ना प्लान रखिए ना मारेंगे सर सिक्की वही है। तब रात की माँ घुस रहा था पकड़ लेता आराम से दोस्तों दिखाइए, ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा का बच्चा है और अब देख सकते कंडीशन कितना क्रिटिकल था। इसके अंदर घुस के पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल। कितना फीट गड्ढा हुआ ये? कम से कम 8 फीट, ना ना 10 फीट, 10 से 12 फीट, 15 फीट हो गया। अगर इतना छोटा अगर यहाँ पे है तो और भी होगा उधर है। अच्छा ये सब जो लाए हैं ये सब किस लिए लाए हैं? ये कौन बोला आप लोग? ऐसा ही हो रहा है 10 साल से, ऐसा ही हो रहा है। माता जी ये अंधविश्वास है, ये सब उस चक्कर में कभी मत रहिएगा। हम बता रहे हैं ये सब अंधविश्वास है। अगर आपका अगर सांप यहाँ छिपा हुआ है ना, आप नीचे पूरा धुआं कर दीजिए, इसको कुछ नहीं होने वाला। धुआं करने से सांप भागता नहीं, वो घर के अंदर ही कहीं ना कहीं छिप जाता है। एक मन का अंधविश्वास है हम लोग के प्रति कि ये धुआं करने से सांप भाग जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। आप देखिए काफी खतरनाक है ये, जिसमें भी 20 रहता है उतने। हाँ जहरीला है ये रात में आते हैं सर जल्दी से, बहुत बड़ा सांप है सर। तो फोन आप किए थे ना, तो शुभ नाम बताइए जो कैमरा में क्या दो जाए। राजा कुमार। ये कौन सा जगह है राजा कुमार जी? कुमारपुर। ये मतलब मुंगेर डिस्ट्रिक्ट अंदर आती है। थाना कौन सा पड़ता है सर आपका? बरियारपुर। बरियारपुर। कितने वार्ड में आती है ये? दोस्तों हम यहाँ के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए जो कि सेवा करने का हमें मौका दिए हैं। आप लोग कम से कम रात में सोने से पहले मच्छरदानी लगाइए, है ना? रात में सोने से पहले क्या है मच्छरदानी लगाइए, तभी क्या आप लोग सेफ रहिएगा। अगर एक है तो और होगा जरूर, बेफिक्र मत होइएगा क्योंकि घर में देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आप लोग ध्यान से रहिएगा। पैक कर ले इसको, संतुष्ट है आप लोग? ठीक है। इसके हाथ में चालू है, फुल ट्रेनिंग है। तो दोस्तों जितना हो सके वीडियो को थोड़ा दूर तक शेयर कीजिए क्योंकि मौसम में परिवर्तन आ गई है और मौसम में परिवर्तन आने से क्या है सांपों से ज़्यादा समस्या होगी। और अपने परिवार फैमिली को सुरक्षित करने के लिए हमें कॉल कीजिए ताकि हम आगे ऐसे खतरनाक जीवों क्या बचा के सुरक्षित स्थान पर रिलीज कर दें। आप देखिए कितना जी सर स्नेक सेवर करण पाल। घर के आसपास अगर थोड़ा चिड़िया वगैरह में अगर हलचल आ जाना तो एक बार जरूर देखिएगा, है ना? कल ले क्योंकि पक्षी जो ना पक्षी अगर इसको देख लेगा ना तो आपस में क्या बहुत ज्यादा हल्ला करने लगेगा। कोई भी पक्षी होगा। हाँ हाँ अगर ये सब माता जी कभी दिखे ना कि बहुत ज्यादा कौवा बोल रहा है, बहुत ज्यादा पक्षी चिल्ला रहा है घर के अंदर आसपास में, तो एक बार आगे देखिए कम से कम। वीडियो को जितना दूर तक हो सके शेयर कीजिए और इसी तरह प्यार मोहब्बत बनाए रखिए ताकि हम आपके यहाँ पास आकर के ऐसे खतरनाक जीव को पकड़ के जंगल में सुरक्षित आजाद कर सके। तो चलिए चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों इस स्नेक का रेस्क्यू बरियारपुर से हुआ है, कुमारपुर बरियारपुर से, और इसे भगाने के लिए घर के लोग क्या है धुआं कर रहे थे सरसों खल्ली का। तो ऐसा नहीं होता है कि धुआं करने से कोई भी सांप भाग जाता है। ये देखिए तो दोस्तों इसी तरह प्यार मोहब्बत बनाए रखिए।